तो दोस्तों वो पर्व तो आ ही गया है जहाँ पे पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां एक व्रत रखती है, वो भी निर्जला, और उसे तोड़ती है चांद को देखने के बाद ही। अब इस दिन पे मैं पत्नियों को नहीं बट उनके पतियों को यानी कि हस्बैंड्स को बोल रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो देखकर बनानी है ये थाली की रेसिपी और इंप्रेस करना है अपने वाइफ को इसे बनाकर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये पूरा थाली म्यूजिक के उस पार। तो आज के मेन्यू में है एक दाल तड़का और उसके साथ जाने वाला घी के चावल। साथ ही में दो तरह की सब्जी बन रही है, उसमें एक है अपना मटर पनीर और दूसरा एक मिक्स वेज। साथ ही में बनेगा एकदम चटपटा सा दही वड़ा और सब्जियों के साथ खाने के लिए पूरी तो लगेगी ही, और इसे एंड करेंगे मीठे में एक खीर बनाकर। चलिए देखते हैं थाली कैसे बनेगी। तो इस करवा चौथ स्पेशल थाली के लिए सबसे पहले हम एक दाल तड़का और घी के चावल बना रहे हैं, जिसके लिए दाल और चावल को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए भिगोकर रखना है। फिर इस दाल को हम पकाएंगे, जिसके लिए दाल में पानी, नमक और हल्दी डालकर इसे 3 सीटियों के लिए प्रेशर कुक करेंगे। पानी का प्रोपोर्शन और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। जब ये हो जाए तब घी के अंदर जीरा, लहसुन, हिंग और सूखी हुई लाल मिर्च डालकर एक तड़का रेडी कर लेना है। इसे ट्रांसफर करेंगे दाल के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका दाल तड़का रेडी है। घी के चावल के लिए जब तक दाल मेरा प्रेशर कुक हो रहा था तब तक मैंने धुले हुए चावल को पानी और थोड़े से नमक के साथ अच्छे से कुक कर लिया था। कुक होने के बाद इसे छान कर साइड में हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, जिससे आपके चावल खुले खुले हो जाएंगे। अब घी के अंदर तड़का लगाना है, जिसमें जीरा और धनिया के डंठल यानी कि स्टेम्स को बारीक चॉप करके मैं डालूंगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका घी का चावल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम मिक्स वेज बना रहे हैं, जिसके लिए पहले हमें घी या फिर तेल के अंदर थोड़े वेजेस को सॉटे करके लेना है। सबसे पहले इसके अंदर क्यूब पोटैटोस यानी कि आलू, गोभी और बीन्स को हम सॉटे करके लेंगे। फिर इसमें मटर, गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और ऐसे लंबे कटे हुए प्याज डालकर अच्छे से थोड़ा सा नमक के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए सॉटे करके लेंगे और पका लेंगे जब तक ये 90% तक कुक नहीं हो जाता। अब इसे साइड में निकाल कर रख दीजिए। सेम पैन के अंदर घी या फिर बटर लेकर इसके अंदर जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्च का एक पेस्ट डालकर हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है। फिर चॉप प्याज डालकर हमें अच्छे से इसे हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेना है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें टमाटो प्यूरे डालेंगे और साथ ही में सारे पाउडर मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इसमें इसी स्टेप पे नमक भी डाल देना और अच्छे से पका लेना। जब ऊपर ऐसे ऑयल सेपरेशन दिखने लगेगा तब इसमें हमें दही डालना है और कंटिन्यूअसली चलाना है, वरना आपका दही स्प्लिट हो सकता है। जब दही पक जाए तब इसके अंदर हमें काजू का पेस्ट डालना है, मिक्स करना है और फिर सारे वेजेस जो हमने सॉटे करके रखे हुए थे उसे इसमें ट्रांसफर कर देना है। अब ग्रेवी और वेजेस को मिक्स करते हुए अगले 5 मिनट के लिए इसे पका लें और लास्ट में इसे कोरिएंडर से गार्निश कीजिए। आपका मिक्स वेज रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे प्लेट में है वो है दही वड़ा। इसे बनाने के लिए प्री प्रेप स्टेज में मैंने उड़द दाल को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा था और इसका एक फिर मैंने पेस्ट बना लिया और इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करना, इसे रनी होने मत देना। अब इसी पेस्ट के अंदर हमें नमक डालकर अच्छे से विस्क करना है। विस्क करने से आपको सोडा का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। अब बस गरम तेल के अंदर ऐसे वड़ा को छोड़ देना है और मीडियम आंच पे इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसे देन निकाल ले और फिर एक हिंग का पानी रेडी कर लेना, जिसके अंदर गरम पानी में काला नमक, जीरा और हिंग को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के अंदर हमें फ्राई किए हुए वड़ों को डुबो कर रखना है। जब तक हमें इसे सर्व नहीं करना तब तक इसे डुबो के रखना। अब नेक्स्ट एलिमेंट में मटर पनीर बना रहे हैं, जिसके लिए पनीर को सबसे पहले पैन के अंदर फ्राई करके लेना है। फिर इसकी मसाले की तैयारी कर लेनी है, जिसके लिए सेम पैन के अंदर जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट और धनिया के स्टेम्स को चॉप करके डालकर अच्छे से सॉटे कर लेना है। फिर चॉप्ड ऑनियन को डालकर इसे भी सॉटे करके लेना है। इसमें हम मटर डाल देंगे, उसे अच्छे से पकाएंगे। इसी स्टेज पर मैं इसमें नमक भी डाल दूंगा ताकि मटर के अंदर तक नमक चले जाए। अब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए सारे पाउडर मसाले डाल दे, थोड़ा सा पानी डाले अगर आपका मसाले नीचे जलने लग रहा है और इसे सॉटे करते हुए पका ले।
जैसे मसाले पक जाएंगे इसके अंदर बेसन डालना है। ये बेसन वाला स्टेप एक्चुअली एक ट्रिक है जो हलवाई यूज करते हैं आपके मटर पनीर को एक्स्ट्रा बॉडी देने के लिए। बेसन डालने के बाद चलाने में अगर डिफिकल्टी हो रही हो तो पानी डालते रहना और इसे चलाते रहना, बेसन पक जाएगा। फिर इसके अंदर हम टमाटर को प्यूरी डालेंगे और उसे भी ढककर अच्छे से पका लेंगे। अब बस इसमें पनीर डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, ऊपर से धनिया से गार्निश करना है और आपका मटर पनीर रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों सब्जियां रेडी हो चुकी है तो पूरी भी बना लेते हैं। जिसके लिए 60-40 रेशियो में मैदा और आटा को लेकर इसमें बारीक वाली सूजी डाल देंगे, साथ ही में घी और नमक भी डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो की शक्ल दे देंगे। अब छोटी छोटी लोइयां काट लें इसमें से, उसको रोल कर ले पूरी की शेप में और गरम तेल के अंदर फ्राई कर लेना। आपकी पूरिया भी रेडी हो जाएंगी। अब बस मीठे नोट पे एंड करना है तो एक खीर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले सेवई को घी के अंदर हमें भून कर लेना है। इसे मध्यम आंच पे ही भूनना, वरना आपकी सेवई बहुत ही जल्दी एक कलर पकड़ लेगी और जलने लगेगी। इसे निकाल कर उसी पैन के अंदर हमें दूध को डाल देना है, इसे अच्छे से बॉईल कर लेना, फिर इसके अंदर वापस से सेवई डालना, वरना आपका दूध स्प्लिट हो जाएगा। सेवई डालकर इसे पकाएंगे। जब सेवई पकने लगे तब इसके अंदर हमें चीनी डाल देना है, साथ ही में मैं केसर भी डाल रहा हूँ रंगत के लिए। इसे कुक कीजिए जब तक चीनी पिघल नहीं जाती। जब तक चीनी पिघलेगी आपका खीर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। लास्ट में इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गार्निश करेंगे। आपकी थाली की सारी एलिमेंट्स रेडी हो चुकी है। चलिए इसे असेंबल करते हैं और इस थाली को सर्व करते हैं मेरे स्टाइल में। देखा कैसे बनेगा पूरा थाली फ्रॉम स्क्रैच, हमने सभी चीजों को बनाया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसे बनाते वक्त तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। बनाइए ये थाली और अपने वाइफ को जरूर इंप्रेस कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब के लिए बाय, नमस्ते।